हेलो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ काउंटिंग मैक्रोस। ये एपिसोड अपन स्टूडियो में शूट नहीं करेंगे, ऐसे ही इनफॉर्मल बनाऊंगा, व्लॉगिंग करूंगा। आज अपने सारे मील्स क्या क्या खाता हूँ वो दिखाऊंगा आपको, और कैसे मैं हर मील में अपने मैक्रोस ऑन द फ्लाई काउंट करता हूँ। सारे फूड सिनेरियोस कवर करने की कोशिश करूंगा, आइसक्रीम भी ऑर्डर करूंगा और बताऊंगा कैसे उसमें मैंने अपने मैक्रोस काउंट किए, इस टाइप की चीज़ें करूंगा। एंड अभी अभी सो के उठा हूँ, ब्रश किया है, वॉशरूम यूज़ किया है। अब अपन लेंगे अपनी डेली वेट रीडिंग, क्योंकि डेली वेट रीडिंग लेना ज़रूरी है प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। उसके अलावा मज़ा आएगा, चलिए शुरू करते हैं। पहला मील गाइस चाय। मैं लगभग दिन में दो बार चाय पीता हूँ, तो दोनों बार की मिला के 150 कैलोरीज लगभग होती हैं। ये लगभग 70-80 कैलोरीज हैं। मैं एग्जैक्टली दूध गिनता नहीं हूँ रोज़, मुझे आइडिया है कि लगभग 70-80 कैलोरी की चाय बनती है। यूजुअली सुबह की चाय के साथ मैं या तो कोई पिछला वीडियो एडिट करता हूँ या नए अगले वीडियो को प्लान करता हूँ, और अगर ये दोनों नहीं कर रहा हूँ तो कोई बुक पढ़ता हूँ। तो इस तरह मैं अपना दिन शुरू करता हूँ। चाय बन चुकी है, फर्स्ट मील डन। भैया क्रिएटिन कहाँ रखा है? पैकेज क्रिएटिन आया है। ऑलराइट गाइस, मुझे 1.5 घंटा हो गया चाय पे हुए, थोड़ा सा लेट हो रहा है मील, तो अपन मील कर लेते हैं। पहला मील, पहला प्रोटीन मील होगा, हाई प्रोटीन। दोपहर के 2 बज रहे हैं, जनरली मेरा इससे पहले हो जाता है मील, आज थोड़ा लेट हो गया है, बट चलता है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी रहता है लाइफ में। तो ये मिक्स मील होगा। प्रोटीन के लिए मैं अभी सिर्फ एक प्रोटीन शेक पी लूँगा। दिन में मैं 2 प्रोटीन शेक पीता ही हूँ, चाहे रेस्ट डे हो या फिर वर्कआउट डे हो, तो प्रोटीन कवर हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या खाऊं। बाहर जा रहा हूँ खाने, घर में कुछ खाने लायक है नहीं, फ्रूट्स है, अंडे हैं, दूध है। चलते हैं छोटे से रेस्टोरेंट में, देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है, एंड देखते हैं अपन अभी क्या खा सकते हैं। सिंपल भैया, 2 नॉर्मल इडली, 1 रवा इडली, इधर ही। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो ये जो इडली है, मैंने इस टाइप की इडली का एक बार नापा हुआ है, 50 ग्राम इडली में लगभग 70 कैलोरीज होती है, एंड ये मुझे 50 ग्राम से कम की लग रही है, तो मैं इसमें 60 कैलोरीज मानता हूँ, 60-120। ये थोड़ी बड़ी इडली है, थोड़ी मोटी इडली है, इसमें फाइबर भी ज़्यादा है, एंड इसकी मैं 100 कैलोरीज मानूंगा, तो दिस इज़ अराउंड 220 कैलोरीज। 30 कैलोरीज मैं सांभर और चटनी की मान दे रहा हूँ, चटनी मैं पूरी नहीं खाऊंगा, पूरी खाऊंगा तो ज़्यादा कैलोरीज होगी, तो ये मेरा यहाँ पे एस्टिमेशन रहेगा। 250 कैलोरीज है इस प्लेट में, एंड घर जाके प्रोटीन शेक पीऊंगा। इडली मेरा वन ऑफ द फेवरेट फूड्स है, कई कारण है इसके। पहला कारण कि इडली में यार कोई ताम तम गिरा नहीं होता, झंझट नहीं होता, क्लीन होता है फूड, क्लीन मतलब कि पता नहीं अच्छा लगता है, एक नेचुरल सा उसमें टेस्ट होता है, एंड फाइबर भी ठीक ठाक होता है। उसके अलावा हाथ भी गंदे नहीं होते और हर सिचुएशन में फिट भी कर जाता है, तो इट्स अ फूड विच आई फ्रीक्वेंटली ईट। जब भी कुछ समझ नहीं आता मैं इडली खा जाता हूँ। ये डेब्यू है धोनी का, अबे यार। एक सुबह क्रिएटिन मेरा देखो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सही टाइम पे आ गया क्रिएटिन, एंड ये एक सर्विंग भी नहीं होगी, 5 ग्राम भी नहीं होगा, बट चलता है आज इतना ही ले लेंगे, जितना भी है ये खत्म कर देते हैं। चूंकि अपना पहला मील काफी लेट हो गया है, तो अपन इसको 1 की जगह 1.5 कूप कर देते हैं प्रोटीन का। क्रिएटिन इसमें 2 ही ग्राम है आज, मैं जनरली 5 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ रोज़, एंड टाइम मैटर नहीं करता आप किस टाइम क्रिएटिन ले रहे हैं, रेस्ट डेज, वर्कआउट डेज, रोज़ होता है क्रिएटिन। तो ये है लगभग 180 कैलोरीज, क्योंकि 1.5 स्कूप उसमें प्रोटीन है, क्रिएटिन में कैलोरीज नहीं होती, एंड इसमें है लगभग 37 ग्राम प्रोटीन, एंड इडली का अपन 2-3 ग्राम जोड़ देते हैं, टोटल 40 ग्राम प्रोटीन इस मील का हो गया, क्योंकि इडली में भी 1-2 ग्राम प्रोटीन होता है, वहाँ अपन ने गिना नहीं, बट यहाँ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए अपन ऐड कर दे रहे हैं। तो टोटल इस मील में हो गई वहाँ पे 250 कैलोरीज, ये 180 कैलोरीज, तो ये हो जाता है 430 कैलोरीज। अपन 450 मान लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, दिन में अपन बाद में एडजस्ट कर लेंगे।
तो इस तरह मैं कैलकुलेशन हर वक्त आसान रखता हूँ और मेरे को याद रहता है कि कहीं मैंने अंडर एस्टिमेट किया था या ओवर एस्टिमेट किया था, और उस हिसाब से मैं दिन में खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ या फिर थोड़ा सा एक दो बाइट किसी चीज़ में ज़्यादा खा लेता हूँ। तो ये छोटे छोटे ट्वीक्स हैं जो आप खुद अपनी डाइट को मैनिपुलेट करके धीरे धीरे सीख जाएंगे। एंड तो या ऑलराइट गाइस, शाम के 5:30 बज रहे हैं, मैं आधे घंटे के लिए फिर से सो गया था, हफ्ते भर की थकान थी तो आज थोड़ा ज़्यादा सोने का मन कर रहा है। एंड अब हो गया टाइम एक और मील का। ये दो आम भी खा लूँगा या फिर एक ही आम खाता हूँ। गाइस 400 कैलोरीज, 4 पूरे अंडे हैं तो 70 कैलोरी एक अंडे का, थोड़े छोटे अंडे थे तो मैं 60 मान रहा हूँ, 60 4 40, दो इसके अंदर एग वाइट्स हैं, 17 कैलोरी होती है एक एग वाइट की, थोड़ा सा बटर है तो ये आप मान लीजिए 300 कैलोरी अंडे की मान लीजिए इस कुक्ड एग्स की, और आम की कैलोरी 70 से 100 के बीच में कुछ ना कुछ है, तो दीज आर 400 कैलोरीज एंड 30 ग्राम्स प्रोटीन, 400 कैलोरीज 30 ग्राम्स प्रोटीन, ना ये स्क्रैम्बल्ड है ना ये ऑमलेट है, ये सिर्फ कुक्ड एग्स है एंड मुझे चलता है, पेट में जाता है वही काम करता है तो चलेगा। गाइस बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं, हवा चल रही है जोरों शोरों से, हर वक्त चलती है यार, यहाँ बैंगलोर के मौसम की खास बात है हमेशा बहुत ही प्यारा होता है। आप रूम से बाहर निकल जाओ, आपका मूड अगर ख़राब है सही हो जाएगा, एकदम रिफ्रेश हो जाओगे। और ये बात मेरे ख्याल से इंडिया में इस शहर से ज़्यादा किसी और शहर पर लागू नहीं होती है, हर शहर में कोई ना कोई अनकम्फर्टेबल सीज़न आता है। मैं पर्सनली जयपुर से हूँ, जयपुर ही मुझे बहुत प्यारा है, वहाँ की खाना पीना बहुत ही अच्छा है, कुल्फियाँ कचौड़ियाँ जैसी वहाँ मिलती है कहीं नहीं मिलती, तो वहाँ हर शहर की कुछ ना कुछ खास बात होती है। एंड मौसम के मामले में बैंगलोर का कॉम्पिटिशन मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, आपको लगता है तो कॉमेंट्स में बताइएगा। एंड इतना प्यारा मौसम है, चाय तो बनती है, प्यारा नहीं होता तो भी चाय बन जाती। चलिए नीचे चलते हैं, गर्म चाय बनाते हैं एंड अब थोड़ा काम करते हैं। एंड ऑल्सो अपना सुबह से एक बार काउंट कर लेते हैं कितना हो गया है, 450 कैलोरीज वहाँ खाई थी, फिर शाम में 400, उसके अलावा अभी तक चाय की अपन ने गिनी नहीं है, तो दोनों कप सुबह और शाम के मिला के 150 कैलोरीज चाय की, 1000 कैलोरीज हो गई हैं, 70 ग्राम प्रोटीन हो गया है, अब बचा कितना अपना 900 कैलोरीज बची और 80 ग्राम प्रोटीन बचा, तो नीड 80 ग्राम्स मोर प्रोटीन फ्रॉम 900 कैलोरीज टू हिट द मैक्रोज, अपन चेस कर रहे हैं ठीक है, तो लेट्स गो, लेट्स हिट द मैक्रोज, चाय पीते हैं, काम करते हैं एंड लेट्स रोल इट। अबे हटो भैया, मेरे को चाय बनानी है। चाय क्या बनानी है? चाय बनाएंगे नहीं, नहीं, नहीं। एक बार मैं बना लूं? क्या बना रहा है ये? ब्रेड चीज, ब्रेड चीज बना रहा है और कुछ। कितनी कैलोरीज है इसमें? तो मैं निगेटिव में चल रहा हूं। तूने अपनी बॉडी इतनी टोन कैसे कर ली ब्रो? ऑलराइट गाइस, रात के 9:30 बज रहे हैं, टाइम फॉर डिनर, इसमें अपन 40 ग्राम प्रोटीन करीब हिट करेंगे। एंड मेरे पास सोयाबीन थोड़ा सा कुक्ड पड़ा है, सोया चंक्स, पर यार उसने अच्छे से बनाए नहीं थे, जो मेरी कुक है बहुत उसमें मसाला डाल दिया है एंड मेरा खाने का मन नहीं है। यूजुअली मैं चिकन बल्क में कुक करा के रखता हूँ और रात का मेरा प्रोटीन मेरे जो चिकन में प्रेप करके रखता हूँ उससे हो जाता है, बट आज चिकन है नहीं अपने पास तो मैंने अभी चिकन ऑर्डर किया है, चिकन सैलड ऑर्डर किए मैंने, तो देखते हैं कितना प्रोटीन होता है उसमें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसमें कम से कम 30-35 ग्राम प्रोटीन हो, नहीं हुआ तो मैं उनको 1 स्टार रेटिंग दूंगा। सैलड आ गई है एंड मैं रोज़ सैलड नहीं खाता हूँ, जनरली इस टाइम पे मैं रोटी सब्जी और चिकन खाता हूँ, बट आज मैं रोटी सब्जी नहीं खा रहा हूँ क्योंकि वो कैलोरीज मैं आइसक्रीम के लिए बचा रहा हूँ, जिसका मैंने आपको वादा किया था सुबह कि आइसक्रीम खाएंगे उसको एस्टिमेट करेंगे, तो उसके लिए वो कैलोरीज बचाई हैं। सैलड में देखते हैं कितना ग्राम प्रोटीन है। भाई काफ़ी है गाइस, काफ़ी प्रोटीन है। ये ग्रिल्ड चिकन है, ग्रिल्ड चिकन सैलड, एक बार अपन किचन स्केल पे नाप भी लेते हैं कि कितना ग्राम प्रोटीन है, 2 सेकंड लगता है। ड्राई चिकन में लगभग 70 से 80 ग्राम, अगर ड्राई चिकन आपका है तो उसमें लगभग 30 ग्राम प्रोटीन होगा, तो देखते हैं इसको, चलिए देखते हैं। दो सौ 10 ग्राम ड्राई चिकन, गाइस ये लगभग 80-90 ग्राम प्रोटीन है, लॉटरी लग गई, बहुत ही अच्छी डील, इनको मैं दूंगा 5 स्टार, शाबाश, मजा आ गया। तो पूरा तो नहीं खाऊंगा, इतने प्रोटीन की अपने को जरूरत ही नहीं है, इसका आधा अपन खाएंगे,
60 ग्राम प्रोटीन यहाँ से ले लेते हैं एंड बचा हुआ कैलोरीज ही बच जाएंगी, प्रोटीन बच जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ गाइस, बहुत ही बढ़िया मिला। ऐसा नहीं है कि सोयाबीन जो मेरी मेड ने बनाया अगर बेकार बन गया तो मैं नखरे एकदम में खाऊंगा ही नहीं, खत्म करूंगा उसको भी। पर मैं सोचा आज आपके साथ खा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा खा रहा हूँ। चिकन बड़ा ही प्लेन है, सिर्फ ग्रिल्ड है, कोई ऑयल ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सैलड ड्रेसिंग थोड़ी है, ये थोड़ा मेयोनीज़ वगैरह इसमें सॉसेस हैं जिनकी मैं 150 कैलोरीज मांग रहा हूँ। वेजिस की कैलोरीज अपन 50 मांग लेते हैं। चिकन क्योंकि अपन ने इसमें 60 ग्राम प्रोटीन लिया, लगभग 200 ग्राम रॉ चिकन ब्रेस्ट होता है, तो चिकन से अपन मान लेते हैं 350 कैलोरीज एंड 200 कैलोरीज बची हुई सैलड में, तो ये हो गया 550 कैलोरीज में लगभग। 600 से ज़्यादा तो किसी हालत में नहीं होगी, अपन 550 ही मान लेते हैं क्योंकि अपन ने दिन में पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडर एस्टिमेट किया था। स्पाइसी था, बहुत स्पाइसी था। अब करेंगे आइसक्रीम ऑर्डर, टाइम फॉर द शो स्टॉपर। मैडी आइसक्रीम खाएगा गाइस, आइसक्रीम आ गई है, देखते हैं इसमें कितनी कैलोरीज हैं। अगर ये 350 कैलोरीज के अंडर हुआ तो मैं खा लूँगा। 20 ग्राम प्रोटीन लाइट भी ले सकता हूँ क्योंकि 150 ग्राम पॉइंट हिट करना ज़रूरी नहीं है, 130 ग्राम भी हो गया तो इट्स नॉट टू बैड। टाइम फॉर मोमेंट ऑफ द डे, ओहो पिघल गई है थोड़ी। तो गाइस इसमें 3 स्कूप आइसक्रीम आपने देखा है, उसके अलावा ऊपर से कुछ बादाम है जो कि ना के बराबर हैं, तो उसको आप मत गिनिए, बादाम भूल जाइए। पर जो 3 स्कूप आइसक्रीम्स हैं बहुत बढ़िया, उसमें से एक स्कूप, ये एक स्कूप है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 कैलोरीज होगी मैक्स, कम से कम 100 तो होगी ही। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने क्वालिटी बॉल्स के जो एक कप आइसक्रीम आती है वो खाया हो, 15-20 रुपए 30 रुपए की आती है, एक कप आता है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है इसमें, और उस कप में कुछ 100 कैलोरी के आसपास होती है, 100-120, तो मान लीजिए कम से कम 100 कैलोरी, ज़्यादा से ज़्यादा 150 कैलोरी एक स्कूप की, तो 3 की हो गई, कम से कम 300, ज़्यादा से ज़्यादा 450। अपने पास है 350 कैलोरीज बची हुई, तो मैं इसमें से खाऊंगा केवल 2 स्कूप्स और ये हो जाएगा करीब 200-300 कैलोरीज, आप एवरेज मान के चलिए 250 कैलोरीज, ठीक है। तो मैं 250 कैलोरीज की आइसक्रीम खा रहा हूँ, इसके बाद भी मेरे पास कुछ 100 कैलोरीज बचेंगी, उसमें मैं आधा स्कूप प्रोटीन शेक पी लूँगा, प्रोटीन भी थोड़ा हिट हो जाएगा, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। आराम से अपन ने आइसक्रीम भी खा ली, प्रोटीन भी अपना हिट कर लिया, और दिन में न्यूट्रिशन कोई कम नहीं था, मैंने एक फ्रूट भी खाया, मैंने 4 एग योक्स खाए, उसके अलावा सैलड में वेजीज भी थी, तो काफ़ी बैलेंस था ये डे।